क्या आपको पता है कि मिक्की माउस को इटली में क्या कहते हैं? अच्छा आप मुझे ये बताओ कि दुनिया में सबसे ज्यादा पौधे कहाँ पाए जाते हैं? सोचो सोचो, अगर जवाब मिल जाए तो कमेंट कर देना, और अगर जवाब ना मिले तो कोई बात नहीं, मैंने इसका जवाब इस वीडियो के बीच में बताया है, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और एंड तक देखना। सो हेलो गाइस, मैं हूं रुपेश और आप देख रहे हैं नॉट इंसान। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि नींबू में ज्यादा शुगर पाई जाती है या फिर स्ट्रॉबेरी में, तो आप में से ज्यादातर का जवाब होगा कि स्ट्रॉबेरी में। पर मेरी रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि नींबू में स्ट्रॉबेरी के मुकाबले बहुत अधिक मात्रा में शक्कर पाई जाती है। असंभव, असंभव। आप सबने केकड़ा तो देखा ही होगा, फोटो में, वीडियो में या फिर रियल में। तो क्या आपको पता है कि केकड़े का जो खून होता है वो रंगहीन होता है, लेकिन जैसे ही केकड़े का खून ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो नीले कलर का हो जाता है। दोस्तों, वो कौन सा अल्फाबेट है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? तो दोस्तों, वो अल्फाबेट है ई। हाँ दोस्तों, ई एक ऐसा अल्फाबेट है जो सबसे ज्यादा वर्ड्स में यूज होता है। जैसे कि मेरे नाम में भी ई यूज होता है, तो अगर आपके नाम में भी ई वर्ड यूज होता है तो जाके अपना नाम कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे एक सवाल पूछा था कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पौधे कहाँ पाए जाते हैं। आप में से ज्यादातर का जवाब अमेज़न होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, अमेज़न वो जगह नहीं है जहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा पौधे पाए जाते हैं। दोस्तों, वो जगह है समुद्र। हाँ दोस्तों, समुद्र के अंदर दुनिया के 85% पौधे होते हैं। अगर यकीन ना हो तो गूगल कर लो। दोस्तों, अगर आपने बिल्ली पाली होगी या किसी आपके फ्रेंड ने या फिर रिलेटिव ने बिल्ली को पाला होगा, तो आपने देखा होगा कि जो बिल्लियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा आलसी होती हैं, क्योंकि बिल्लियां अपने जीवन का 66% समय सोते हुए व्यतीत करती हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मिक्की माउस को इटली भाषा में क्या कहते हैं? मैं बताता हूँ दोस्तों, मिक्की माउस को इटैली में टेपोलिनो कहते हैं। दोस्तों, चॉकलेट तो आपने खाई होगी, क्या आपको पता है कि स्विट्जरलैंड वो जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा चॉकलेट खाई जाती है? वहाँ एक बंदा साल में कम से कम 10 किलोग्राम तक चॉकलेट खा जाता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, अगर 1 से 100 तक संख्याओं को जोड़ा जाए तो कितना होगा? अगर 1 से 100 तक संख्याओं को जोड़ा जाए तो वो 5020 होती है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और ज्यादा फैक्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।